आज हम बना रहे हैं टेम्पे एंड वेजी करी और ये विनिंग रेसिपी है डॉक्टर डीपी नेमा की। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, टेम्पे, प्याज, कोरमा करी पेस्ट, नारियल का दूध, लाल कद्दू छोटे टुकड़ों में कटे हुए, ब्रोकोली, फ्रेंच बीन्स, टमाटर टुकड़ों में कटे हुए, नमक। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा ऑलिव ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें ये टेम्पे इसको हम इसमें डाल लेंगे और जब ये हल्का सा रंग बदल लेंगे और इसे हम एक प्लेट पर निकालेंगे। उसी पैन में हम थोड़ा और ऑलिव ऑयल डाल लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें प्याज कटा हुआ डाल लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये हल्का सा रंग बदल दे इसमें कोरमा करी पेस्ट डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का दूध और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें लाल कद्दू जो है वो डाल लेंगे और साथ ही में थोड़ा पानी। इसमें पानी डालते ही इसे ढककर कुछ देर के लिए पका लेंगे। अब कुछ देर पकाने के बाद ये ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार मिला के इसमें डालेंगे ये कटी हुई ब्रोकोली, फ्रेंच बीन्स, टमाटर के टुकड़े और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक। नमक डालकर इसे अच्छे से फिर से मिला लेंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसे अच्छे से उबाल भी आ चुका है और हमारी सारी सब्जियां भी पक चुकी है। अब इसमें हमने जो फ्राई किया हुआ टेम्पे था वो डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। वाह, बढ़िया सी टेम्पे की करी जो हमने बनाई है वो तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।